भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी करीना, जानिए क्या है पूरा मामला। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं। किसी नई फिल्म या फिर अपने फोटोशूट के चलते नहीं, बल्कि इस बार मामला कुछ और ही है। मीडिया में खबर है कि करीना कपूर खान 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल लोकसभा 2019 के चुनावों के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं कांग्रेस भी अब इस चुनाव में जीत के लिए नए नए पेत्र अपना रही है। पिछले दिनों कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस के लोकल नेताओं ने बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को भोपाल से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट दिए जाने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि भोपाल सैफ अली खान का होम टाउन है। सैफ अली खान के पिता और पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौड़ी का भोपाल में रुतबा काफी अच्छा है, जिस कारण वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब बीजेपी अभिनेताओं को अधिकतर चुनावी मैदान में उतार कर जीत हासिल करती है तो पार्टी को भी यह कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि करीना कपूर खान के ससुर और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौड़ी 1991 में भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। राजीव गांधी ने उन्हें टिकट दिया था और प्रचार के लिए भोपाल आए थे। हालांकि पटौड़ी चुनाव हार गए थे। नवाब पटौड़ी की पत्नी शर्मिला टैगोर राजनीति में सक्रिय रही और यहां चुनाव प्रचार के लिए आती रही हैं। अब देखना होगा कि बॉलीवुड की बेबो इस चुनाव के लिए आगे आती है या नहीं।